बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर प्यूरिटन एज पे है। जो हमने पिछले लेक्चर में एलिजाबेथन एज को कंप्लीट किया था, अल्दो उसके वर्क्स रह रहे हैं, लेकिन हम वो ना वर्क्स इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने पहले एजेस कंप्लीट करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एजेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हमारी नेक्स्ट एज जो आती है वो है प्यूरिटन एज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्यूरिटन एज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1600 से लेके 1660 तक ये एज पाल करती है, ठीक है। 1600 से 1660 तक, उसके बाद फिर रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है, ठीक है। अब प्यूरिटन एज क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हम लोग इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि 17th सेंचुरी लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स, ठीक है। दो पीरियड्स में डिवाइड है, एक प्यूरिटन आ जाता है, एक रेस्टोरेशन आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द एज द प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन, ठीक है। इसको हम एज ऑफ मिल्टन प्यूरिटन एज को इसलिए कहते हैं, ये कब से कब तक है जी, 1600 से 1660 तक है, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेशन आ जाती है, इसको हम मिल्टन की एज इसलिए कहते हैं। तो मिल्टन वॉज द डोमिनेटिंग एज द नोबलेस्ट फिगर ऑफ दिस एज, ठीक है। प्यूरिटन एज में मिल्टन एक डोमिनेटिंग फिगर था, तो उसी की वजह से इसको हम मिल्टन की एज भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्यूरिटन एज है, हम अब देखें पूरी जो 17th सेंचुरी लिटरेचर है वो मेनली दो चीज़ों पर डिवाइड है, प्यूरिटन और रेस्टोरेशन। लेकिन जो आगे प्यूरिटन है वो भी आगे मजीद डिवाइड है, ठीक है। वो किस में डिवाइड है, प्यूरिटन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जैकोबियन एंड कैरोलाइन पीरियड। जैकोबियन कब से आता है, 1603 से शुरू होता है, 1625 तक जाता है, और कैरोलाइन कब से आता है, 1625 से ऑनवर्ड 1649 तक, ठीक है। तो इनको हम जैकोबियन और कैरोलाइन ये क्यों कहते हैं, जैकोबियन जेम्स से है, जेम्स वन उस टाइम इंग्लैंड का इंग्लैंड में था, राज कर रहा था उसका, आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में उसकी हुकूमत थी। और उसके बाद जो कैरोलाइन है चार्ल्स वन था, चार्ल्स वन कब था जी, 1625 से 49 तक, पहले जेम्स वन और फिर चार्ल्स वन, चार्ल्स वन, इनकी वजह से इनको जैकोबियन और कैरोलाइन एज रेस्पेक्टिवली कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, और उसके बाद जो डिवीजन है इसकी 1660 के बाद, वो है रेस्टोरेशन पीरियड की, ठीक है। रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ द एज ऑफ ड्राइडन, वो कब से शुरू होता है, जैसे ही प्यूरिटन एज एंड होती है 1660 से 1700 तक, इसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जिस तरह एज ऑफ मिल्टन कहते हैं प्यूरिटन को, तो इस तरह रेस्टोरेशन को एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, बिकॉज ड्राइडन डोमिनेटेड एज ए लिटरेरी फिगर इन दिस एज, ठीक है। उसने डोमिनेट किया था। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 17th सेंचुरी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, पहले प्यूरिटन में फिर रेस्टोरेशन में। प्यूरिटन में मजीद जैकोबियन और कैरोलाइन, जैकोबियन जेम्स वन से और कैरोलाइन चार्ल्स वन से, ये इसकी डिवीजन है, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस पीरियड की, आप लोग हम लोग वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्यूरिटन्स को प्यूरिटन्स क्यों कहते थे। देखें, इससे पहले एलिजाबेथन एज थी या एज ऑफ शेक्सपियर थी। तो जब प्यूरिटन एज स्टार्ट होती है, तो एकदम आप लोग कह सकते हैं कि सडन चेंजेस आ जाती हैं लिटरेचर में। जो एलिजाबेथन एज शेक्सपियर का लिटरेचर था, उसमें बहुत चेंजिंग आ जाती हैं। तो उसकी वजह क्या थी, प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स एडवोकेटेड फॉर सडन चेंजेस, ठीक है। कौन सी चेंजेस, दे एडवोकेटेड फॉर सडन चेंजेस इन वर्क, लिटरेरी वर्क, ये जो भी था, ड्रामा था, पोइट्री थी, जो भी था एलिजाबेथन एज की, उनमें उन्होंने एडवोकेसी की फॉर चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्यूरिटन्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम इनको इसलिए प्यूरिटन कहा गया था। लेट्स मूव टुवर्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी ओवरऑल लिटरेचर, उसकी क्या है। रेस्टोरेशन की मैंने करेक्टरिस्टिक्स अलग से लिखी, ये सिर्फ प्यूरिटन की है, ठीक है। सबसे पहली चीज, डिक्लाइन ऑफ रेनेसेंस पीरियड, के एलिजाबेथ जो एज ऑफ प्यूरिटन थी, उसमें जो रेनेसेंस का स्पिरिट था, एकदम वो डिक्लाइन हो गया था। आप लोगों को पता होगा उसमें क्या था, रेनेसेंस के पीरियड में इमेजिनेशन थी, उसमें क्या था जी, रोमांटिक फैंटेसी थी, और इमेजिनेटिव राइटर थे, जिस तरह हमारे पास शेक्सपियर आ जाता है, स्पेंसर आ जाता है, सिडनी आ जाता है, ये आप लोगों ने सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एकदम आप लोग कह सकते हैं कि इसमें चेंजिंग आ जाती है, और चेंजिंग के बाद क्या होता है, मॉडर्न स्पिरिट के, इसकी जगह इमेजिनेटिव पीरियड की जगह एक मॉडर्न स्पिरिट केम इनटू बीइंग। अब मॉडर्न स्पिरिट क्या है, मॉडर्न स्पिरिट आप लोग देख लें, स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद डिटेल्स एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स, फीलिंग एंड आइडियाज। मतलब आप लोग इसे समझ दें कि एक स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, सिस्टमैटिक एनालिसिस आ गया, क्या आ गया, सिस्टमैटिक एनालिसिस, जिसकी वजह से एक आप लोग कह सकते हैं कि एक साइंस की जो स्पिरिट ऑफ साइंस था वो प्रिवेल करने लगा, वो मशहूर होने लगा, ठीक है। पुरानी जो रोमांटिक फैंटेसी थी वो खत्म हो गई। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थी, जो उनका आप लोग कह सकते हैं कि न्यू स्पिरिट केम इनटू बीइंग, ठीक है, वो आया, ठीक है। तो इन्होंने लिटरेचर में वो पुरानी चीजें खत्म कर दी। इस तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये देख लें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थिएटर वर क्लोज्ड,
1742 में, 1742 में थिएटर क्लोज कर दिए थे इन्होंने, ठीक है। प्यूरिटन जो थे वो रिलीजियस माइंडेड लोग थे, तो उन्होंने थिएटर भी क्लोज कर दिया। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि थिएटर कब और किसकी एज में क्लोज हुए थे, तो ये आप लोग देखें 1742 में, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी साइंटिफिक। और उसके बाद क्या था इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देवर रिलीजियस राइटिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मिल्टन में, मिल्टन इस एज का नाम ही मिल्टन से है, तो मिल्टन एक रिलीजियस आदमी था जिसने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन लिखी। आप लोगों को पता होगा कि वो प्योर रिलीजियस मास्टरपीस है, ठीक है। और फिर डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, हाँ, चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज दैट ड्रामा डिक्लाइन इन दिस पीरियड। ड्रामा ने कैसे डिक्लाइन किया एलिजाबेथन एज में, आपको पता है कि ड्रामा एक प्रोमिनेंट फिगर था, पोइट्री से ज़्यादा ड्रामा के ऊपर काम किया गया था, लेकिन इस एज में आगे जो ड्रामा डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक किसी के एक्टिविटी से। आगे मजीद हम देखते हैं पॉपुलराइजेशन ऑफ आर्ट ऑफ बायोग्राफी एंड जर्नल्स। जर्नल्स लिखने का और ऑटोबायोग्राफीज लिखने का जो आर्ट था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। इससे पहले आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये अननाउन था 16th century में, आपको कोई ऑटोबायोग्राफी वगैरह नहीं मिलेगी। तो इसमें काफ़ी सारी बायोग्राफीज आ गई, जिसमें फॉक्स जर्नल था एक मशहूर था, बाकी भी काफ़ी सारी डायरीज वगैरह भी लिखी गई। बाकी आप लोग इसमें देखें खासा जो मशहूर हुई है वर्क्स भी, हम लोग बाद में एमसीक्यूज में वगैरह में देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो इसकी थी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया जैसा कि रिलीजियस लोग थे या रिलीजियस राइटिंग में ज़्यादा डोमिनेट थी, तो इन्होंने क्या किया जी, रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ द मैन। प्यूरिटन्स मार्क बाई द रीबर्थ ऑफ द मॉरल नेचर ऑफ मैन। इन्होंने मॉरल नेचर ऑफ मैन के ऊपर फोकस किया जो इससे पहले कम होती जा रही थी। दे फोकस ऑन द प्यूरिटन मार्क बाई एज मार्क बाई द मॉरल रीबर्थ ऑफ द मॉरल नेचर ऑफ द मैन। ये भी इनकी एक चीफ करेक्टरिस्टिक थी, मॉरलिटी को इन्होंने फोकस किया। अच्छा जी, इन्होंने ड्रामा को डिक्लाइन किया, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लग गई, थिएटर क्लोज हो गए, अच्छा रोमांटिक फैंटेसीज वगैरह ख़त्म हो गई, ये वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फिर उन्होंने, बट इनके क्रेडिट में एक चीज़ क्या जाती है, अनलाइक रेनेसेंस पीरियड प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर द लिबर्टी ऑफ द मैन। ये इनकी एक बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मूवमेंट चलाई लिबर्टी ऑफ मैन, इंसान की आज़ादी के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाई, ठीक है। तो ये जो आप एट द एंड पे इनकी करेक्टरिस्टिक्स में आप लोग ये कह सकते हैं कि पाबंदियों के बावजूद जो इनकी ये थी मूवमेंट थी, तो ये इन्होंने चलाई, ठीक है, आज़ादी, इंसान की आज़ादी के लिए। तो इनको प्यूरिटन क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, दे एडवोकेटेड फॉर सर्टेन चेंजेस विच आर प्रिवेलिंग फ्रॉम एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चेंजेस की बात की थी, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा 1660 तक ये आ जाते हैं जी, प्यूरिटन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब 1660 तक क्या होता है, 1660 तक ये प्यूरिटन्स आते हैं। उसके बाद 1649 में जब चार्ल्स वन का जो पीरियड है वो एंड होता है, तो लोगों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी, ठीक है। जब इसके खिलाफ बगावत कर दी तो ही वॉज बिहेडिड, चार्ल्स फर्स्ट जो है ही वॉज बिहेडिड इन 1649, यहाँ इसलिए इसका ये आप लोग कह सकते हैं रूल ख़त्म होता है। तो जब इसको जब हराया गया तो फिर क्या हुआ जी, जो प्यूरिटन्स थे वो मज़ीद उनको ताकत मिली, वो कामयाब हो गए। तो उसके बाद जो क्रोमवेल था, कुछ अरसे के लिए एक नया उनका आप लोग कह सकते हैं कि क्रोमवेल आया। वो कब आया जी, नाम उसका क्रोमवेल था उसका, और वो कब आया, 49 से 60 तक आया। तो फिर 60 में जाके तो ये जो चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने हटाया था, इसी का बेटा था चार्ल्स सेकंड, जो उन दिनों एग्जाइल में था अपने बाप के मरने के बाद। मैंने आपको बताया चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में कत्ल कर दिया गया, तो वो फ्रांस से उसको वापस बुलाया गया। और जब वो वापस आया, क्रोमवेल की जगह उसने ली, तो उसने आके मोनार्की को वापस रिस्टोर किया, ठीक है। जब उसने मोनार्की को रिस्टोर किया 1649 से जो ख़त्म थी, तो 1649 से जब उसने मोनार्की को किया, तो उसको फिर हम 1660 में उसने रिस्टोर किया, तो वहाँ से आगे फिर रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको रेस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं, बिकॉज ए मोनार्की वाज रिस्टोर इन दिस पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में मोनार्की को रिस्टोर किया गया था, तो उसी की वजह से इसको फिर हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिखा भी हुआ, आफ्टर 1660 चार्ल्स सेकंड केम टू द थ्रोन एंड मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड बाय चार्ल्स सेकंड विच वाज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। तो बस ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने सिलेबस के
दायरे में रहते हैं। तो अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ताकि फिर आपको वर्क समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मैं आपको बता दूं, 4 सेकंड का बैकग्राउंड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 4 सेकंड एक अयास किस्म का बंदा था, ठीक है, एक सेकुलर माइंड का बंदा था। इसको कुछ नहीं मज़हब की नहीं थी, इससे पहले जो मज़हब की शक्तियाँ थी तो इसको वो इस तरह के कुछ नहीं थी। आप लोग कह सकते हैं कि ही वॉज लूज करेक्टर एज वेल, ठीक है। तो इसने आके तो तमाम ये चीज़ें ख़त्म कर दी और जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। लिटरेचर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, आप लोग कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी लिटरेचर में आप लोग ये कह सकते हैं कि लूजनेस आ गई, ठीक है। कोई उस तरह से जो स्ट्रिक्स रिस्ट्रिक्शंस थी वो वहाँ पे नहीं रही, ठीक है। तो इसने आके सबसे पहले क्या किया जी, ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड डिसिप्लिन वर लिफ्टेड, तमाम रिस्ट्रिक्शन जो थी पाबंदियाँ वो थी उनको ख़त्म कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लॉपी एंड फॉपरी एंड फॉपरी एंड लूजनेस, मतलब कि ये जो चीज़ें थी कि करप्शन मॉर, ये जो मॉरल करप्शन होती है, लूजनेस, करेक्टर के ढीलापन, या इस तरह की चीज़ें जो इंग्लैंड में फिर वापस प्रिवेल करना शुरू हो गई, ठीक है। दूसरी करेक्टरिस्टिक ये आ गई है। और तीसरी चीज़, पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट इमिटेटेड द फ्रेंच राइटर, क्यों, ये खुद पहले फ्रांस में था तो वो भी इम्पैक्ट पड़ा और बाकी लोगों ने भी अपना लिटरेचर छोड़ के, इंग्लिश लोगों ने एलिजाबेथन एज में का जो था इनके पास वो छोड़ के इन्होंने फ्रांस को कॉपी करना शुरू किया। अब जब इनको फ्रांस को कॉपी किया तो फ्रांस की इन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दे कॉपीड या दे फॉलोड वाइसिस मोर देन वर्चूज, इन्होंने इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फॉलो किया, ठीक है। तो और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म इस तरह बिगिनिंग हुआ कि इन्होंने जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसकी ट्रू पिक्चर को डिपिक्ट किया। जब उन्होंने उस टाइम की सोसाइटी, जाहिर है अगर बादशाह इनका करेक्टर का ढीला था तो जाहिर सी बात है सोसाइटी भी ख़राब होगी, तो उन्होंने रियल पिक्चर की किसकी, ऑफ करप्ट सोसाइटी एंड कोर्ट ऑफ राइटर मोर कंसर्नड विद वॉइसेस रादर देन वर्चूज, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो इन देवर कंसर्न विद वॉइसेस डब्ल्यू ओ नहीं आई है, ठीक है, विद रादर देन द वर्चूज। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है, एक इन्फीरियर किस्म का लिटरेचर निकलता है, ठीक है। इसमें कोई हाउस पे लिटरेचर नहीं आता क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको पहले बता दिया कि अपना आप छोड़ के फ्रेंच को कॉपी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसकी एक करेक्टरिस्टिक क्या थी, टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। अब प्रिसाइजनेस क्या है, उन्होंने प्रिसाइजनेस को ज़्यादा फोकस किया जो इससे पहले नहीं थी। आप लोगों को पता होगा कि जो शेक्सपियर का रहा था उसमें प्रिसाइजनेस नहीं थी, ठीक है, उसमें जो एक्सप्रेशन थे उसमें एग्जैजरेशन होती थी, उसमें आप लोग कह सकते हैं कि बहुत एक किस्म का वो फैंटेसीज वाला लिटरेचर था। तो इन्होंने आके क्या किया जी, उसको सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे फोकस किया, दे फोकस ऑन द सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि आजी कि इसको ख़त्म किया जाए एग्जैजरेशन को, तो ये प्रिसाइजनेस ख़त्म की उन्होंने लाई। उसके बाद एम्फसाइज टू रीजनिंग रादर देन रोमांटिक फैंटेसी, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे शेक्सपियर के जिसमें वर्क पढ़े तो आपको रोमांटिक फैंटेसीज मिलती हैं, ठीक है। तो रोमांटिक फैंटेसीज वगैरह उन्होंने ख़त्म की और रीजनिंग को, अक्ल को, लॉजिक को इन्होंने जगह दी, ठीक है। तो ये तो हो गया। और इस एज को हम फिर एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं, हाँ एक चीज़ और देख लें कि वुमेन एक्ट्रेसेस वर इंट्रोड्यूस। मैंने आपको पहले बता दिया कि चेंजिंग आ गई थी, वुमेन एक्ट्रेसेस को फर्स्ट टाइम ड्रामा में इंट्रोड्यूस कराया गया और ग्रोथ ऑफ साइंस भी हुई, ग्रोथ ऑफ साइंस इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ जी कि ड्राइडन को हम इसलिए कहते हैं कि जो ड्राइडन रेस्टोरेशन में एज में कि ड्राइडन वॉज द ओनली डोमिनेटेड फिगर ड्यूरिंग दिस एज, ये रेस्टोरेशन एज के दौरान, ठीक है। तो ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया, हीरोइक कपलेट आप लोगों को पता मिल्टन ने भी यूज़ की थी, तो ड्राइडन एक फेमस बंदा बना। और उसके बाद इसके जॉन विलमोट था, ये भी अच्छे इसके राइटर हैं, मैंने कुछ इसके नाम लिखे हैं, ठीक है। और इस एज में एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये आती है, एफ्राबेन कौन थी, दैट वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर, ठीक है, वो फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर थी हु सेलेक्टेड राइटिंग एज हिज लिवलीहुड, ठीक है। उन्हें राइटिंग को अपने जो आप लोग कह सकते हैं कि रोजगार के तौर पे इस्तेमाल किया, तो वो कौन थी जी, एफ्राबेन। एफ्राबेन वॉज फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर एंड सेकेंड, और ये इस एज में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कद काट क्या था कि ड्राइडन के बाद जो सेकेंड नंबर पर ये इस एज में डोमिनेटिंग फिगर आती है। तो इसका एक वर्क भी मैंने लिखा हुआ है, लव लेटर बिटवीन नोबल मैन एंड हिज सिस्टर, ये इसका वर्क भी इंपॉर्टेंट, आगे भी इसके बहुत सारे वर्क हैं। आई होप आपको प्यूरिटन एज में और रेस्टोरेशन एज में कुछ फ़र्क भी समझ आ गया होगा, और इसको प्यूरिटन क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसकी डिवीजन कैसे होती है कैरोलाइन में और जैकोबियन में, फिर इसको रेस्टोरेशन क्यों कहते हैं, इसकी चीफ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये तो हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अब इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लोग प्यूरिटन की पोइट्री भी डिस्कस करेंगे, प्यूरिटन के वर्क भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेशन एज में और प्यूरिटन एज में इतना ड्रामा मैंने आपको बताया डिक्लाइन हो गया था, तो पोइट्री कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में इसको एंड कर दें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो, और एट दी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.